भागलपुर में मंगलवार की दोपहर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा भोलानाथ पुल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम ने सर्वप्रथम फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर कई बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की, जबकि पुल निर्माण कार्य में हो रही कठिनाइयों पर भी विस्तृत दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया। साथ ही साचक से शीतलास्थान जाने वाली रूट में होने वाली ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने एवं जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए पाइपलाइन के कार्य को भी सुनिश्चित करने पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल है। कई दशकों से जाम और जल जमाव की समस्या झेल रहे दक्षिणी क्षेत्रवासियों के लिए यह वरदान साबित होने वाला है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि 27 पाइलिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिस पर अब कैपिंग की जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़क को काफी पुख्ता तरीके से बनाने की कवायद की जा रही है, जो सभी परिस्थिति में कारगर होगा और किसी भी मौसम में सड़क को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर डीएम ने बताया कि कुछ कार्य अभी शेष है, जिसमें 70 से 80 डेसिमल जमीन अधिग्रहित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भू स्वामी को सरकारी स्तर से पहले ही अतिक्रमण हटाने को लेकर जानकारी दे दी जाएगी और नहीं हटाए जाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने लोगों से इस निर्माण कार्य के प्रति ज्यादा से ज्यादा सहयोग भाव रखने की अपील की। मौके पर अन्य पदाधिकारी एवं इंजीनियर मौजूद थे। देखिए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भोलानाथ पुल जो काफी पुराना ब्रिटिश टाइम का पुल है, इसके ऊपर आरओबी की डिमांड बहुत सालों से यहाँ भागलपुर में रही है। और जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इस समस्या से हम लोगों ने अवगत कराया था। तत्क्षण ही उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी थी। फिर इसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और सारा जो प्रोसेस होता है टेंडर वगैरह का कंप्लीट करा करके, और लास्ट ईयर जो है ये शुरू हो गया है। स्टेट के पूरे राज्य सरकार अपनी राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये काम जो है बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम करा रहा है, और इसमें काम की गति भी अच्छी है। जैसा मुझे बताया गया है कि लगभग 30 के लगभग शायद 27 जो है पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उस पर कैपिंग का काम भी चल रहा है। और जैसा इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि अब रोड की जो इसमें PQC रोड बनना है, ढलाई वाला ऑल वेदर रोड, ताकि पानी वगैरह के कारण भी जो रोड के ख़राब होने की समस्या रहती है तो वो भी नहीं होगा। तो वो रोड की ढलाई का काम भी इस वीक या अगले वीक से जो है वो शुरू हो जाएगा। नाला, इसमें 3 किलोमीटर नाला बन रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से काफ़ी समय से नाले का काम नहीं हुआ था। कच्चा नाला भी बहुत ज़्यादा है, खुला नाला है और पानी भी बहता है, तो वो भी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 किलोमीटर इसमें नाला बनना है, 1.25 किलोमीटर का लगभग ये पुल रहेगा। और पुल निर्माण निगम काम कर रहा है, जो यूटिलिटी शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं बिजली के पुल वगैरह को, उसमें भी अभी काम हुआ है और इनको शट डाउन देना है, तो बिजली विभाग इसको देख लेगा कि आम लोगों को भी समस्या नहीं हो और काम भी इनका तेज़ी से चल सके, उसको लेकर के भी हम लोगों का प्रयास है कि आपसी समन्वय विभिन्न विभागों के बीच बैठा करके, क्योंकि शहर में काम करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि घनी आबादी होती है, सीवरेज का होता है, पानी का भी पाइपलाइन का काम हो रहा है, शहर की ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो लोगों को कम से कम समस्या हो और अगले एक साल में ये पुल बन जाए, और जिस गति से काम चल रहा है, रेलवे के एक परमिशन की ज़रूरत है तो वो भी इंजीनियर्स लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी DRM साहब से बात करेंगे। और हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले एक साल में ये बड़ी सौगात, लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पुल बनेगा, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और 22 में जो उन्होंने तत्क्षण इसकी स्वीकृति दे दी थी कार्यक्रम के दौरान ही, तो ये बन करके तैयार हो जाए और अगले साल जो है एक बड़ी सौगात भागलपुर के क्षेत्र को और खास करके दक्षिणी क्षेत्र के आमजन को मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। भागलपुर में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने में लगे पड़े हैं। आपको बता दें कि गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के सीट शेयरिंग वाले बयान पर कांग्रेस से नगर विधायक अजीत शर्मा ने करारा जवाब दिया है। विधायक ने कहा कि गोपाल मंडल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की विवादित बयान दे देते हैं। उन्हें देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि विधायक गोपाल मंडल ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया था और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश में उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे हो सकते हैं। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री की होड़ में आपस में ही बयानबाजी करना विपक्षी खेमा के लिए चुनौती का सबब बन सकता है। विधायक जरूर है, जनता तो चुनती है, लेकिन लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है।
उनको खूब पता है कि भागलपुर में मेरा जन समर्थन नहीं है। भागलपुर में 3 बार से विधायक हुए और जनता मुझे चुनती है। जनता को मजाक में लेते हैं क्या? जनता सबसे शक्तिशाली होती है, और अगर इस तरह के बयान करते हैं तो उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूँगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें, लेकिन उनकी मानसिक विविधता हो गई है। वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं। अब मेरे अजीत शर्मा के बारे में इस तरह का बयान करेंगे कि पैसे के बल पर जीतते हैं। मैं पैसा आज तक कोई न लेता हूँ न देता हूँ। कोई बता दे कि मैं कोई कमीशन को दलाली करता हूँ, कोई भी माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को। मैं एक ऐसा विधायक हूँ, अगर वो बयान देता है मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, नीतीश कुमार जी से, इस तरह का बयान मेरे बारे में दिए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मनोबल क्यों बढ़ा है? कार्रवाई उन पर नहीं होती, नीतीश कुमार पहले भी कर गए। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है कि पैसे पर जीत रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है, ये कोई मतलब है? जनता किसी को वोट के विधायकों को जिताती है, सांसद को। जनता महान होती है, और आपको बता दें अगर इस तरह का बयान देंगे यह बिल्कुल उचित नहीं है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है देश में बड़ी हो सकती है, बिहार में बड़ी नहीं है। भाई देश और बिहार क्या अलग होता है? बिहार देश का अंग है। अगर बिहार देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी बिहार में भी है। ठीक है, सीट हम लोग कम जीते हैं अलग बात है, लेकिन जनता फैसला करती है। और बता दें कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का, ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक कृपया न करें। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास हुआ है, भारतवर्ष को आजाद कराया है, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी को वो आईना दिखाने का काम न करे। भाई मेरे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का मतलब समझते हैं वो? इस तरह का बयान देते, इसलिए मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा बयान उन्होंने दिया है उसको आप पार्टी से निष्कासित करिए। इस तरह का बयान वो कैसे दे सकते हैं? खड़गे साहब कौन है नहीं जानता है? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के, वह भी बैठक में जाते हैं और खड़गे साहब को जानते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस तरह का बयान करना कोई भी एक विधायक किया है गोपाल मंडल जी, उस पर माननीय नीतीश कुमार जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए लगातार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मुंगेर अंतर्गत तारापुर प्रखंड के इब्राहिमपुर गाजीपुर गांव निवासी स्वर्गीय सज्जाद अंसारी व समीमा खातून के पुत्र एजाज आलम बिहार सरकार के अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए हैं। उनके इस पद पर नियुक्त होने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि एजाज आलम ने गांव से ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा और सूरत गुजरात से बीटेक करने के बाद उन्होंने विभिन्न संस्थानों में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम किया। एजाज आलम ने बताया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसका फलस्वरूप उन्हें अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी पद पर नियुक्ति मिली है। इधर पूरे गांव ने एजाज की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि एजाज आलम का IAS बनने का लक्ष्य भी जल्द ही पूरा होगा।
भागलपुर सुल्तानगंज के दुधैला एनजीए हाई स्कूल के प्रांगण में नवयुवक संघ क्विज समिति के द्वारा बुधवार को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक नवीन कुमार पोद्दार, शिक्षक चंद्र प्रकाश सिंह, रेलवे विभाग के कर्मचारी रवि शंकर कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता में वर्ग पंचम से वर्ग दशम तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। क्विज में प्रथम से पंचम स्थान तक आने वाले छात्र एवं छात्राओं को शील्ड, बुके एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी छात्र छात्राओं को भी सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस दौरान अध्यक्ष भूषण कुमार, सचिव अमित कुमार, परीक्षा नियंत्रक ज्योति समेत कई ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।